नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 22 जनवरी 2021 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। जिस तरह से आपकी नियमित दिनचर्या चल रही है वैसी ही चीज़ें चलती चलेंगी। कुछ खास इसमें आपको ना तो अपने लिए लोड लेना है, ना परिस्थितियों में ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना है। जैसी चल रही है वैसी चीज़ों को चलने दीजिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आप अपने लिए और फेवरेबल परिस्थिति, चाहे पारिवारिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे बात करूं, दोनों ही पक्ष में आप बैलेंस करते हुए अपने लिए बना लेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं टायरिंग, टैक्सिंग और चैलेंजिंग हो सकता है। खास तौर पे अगर आपको प्रोफेशनली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी है तो। साथ ही साथ आज के दिन नौकरी चेंज करने के संदर्भ में परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से नई अपॉर्चुनिटी, नया कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया सजेशन या आपके लिए परिस्थितियां और बेटर आउट करता हुआ कोई एक बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपका दिन बना सकती है। साथ ही साथ आज के दिन आपके मेंटोर द्वारा कोई एक वैल्यूबल राय भी आपको मिल सकती है प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के दायरे में। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको अपने लिए टैक्टफुली विचारना है, टैक्टफुली बिताना है। आज के दिन आपको कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस को आगे लेकर आना है। साथ ही साथ आज के दिन आपका बिजनेस आक्यूमन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आगे की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, मसलन अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कुछ नई चीज़ अगर आप अपनाना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या में लाना चाहते हैं, तो आप आज के दिन बेहतरीन तरीके से प्लानिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ आज के दिन छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करती हुई जा सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं नियम और संयम से चलने का, आपको पूरे दिन को व्यतीत करने का आपका इरादा होना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सेकेंड हाफ के बाद परेशान कर सकती हैं। खास तौर पे आपको रात में कोई ना कोई परिस्थिति ख़राब कर सकती है आपकी सिचुएशन को। अगर आप बीपी रिलेटेड इशू से ग्रस्त हैं या आपको डाइजेशन संबंधित कोई ना कोई रोग है तो, इसलिए आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर थोड़े से विचार विमर्श करने की या किसी व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत है। खास तौर पे अगर आप डॉक्टरी परामर्श के अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं तो आज के दिन आप कहीं ना कहीं संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं शिक्षा और अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देकर जा सकता है। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए पॉजिटिव निर्णय आपकी परिस्थिति को और स्ट्रांग करके जा सकते हैं। ये निर्णय कार्यक्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में हो सकते हैं, निवेश करने के संदर्भ में हो सकते हैं, और आपके द्वारा चयन की गई परिस्थितियाँ या विकल्पों के द्वारा ही आज का दिन आपका निर्धारित होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी चेंज करनी है, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या परिवार के तरफ आपका रुझान आज के दिन कुछ उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना है, जो भी विकल्प आप अपने लिए लेते हैं वो आज के दिन आपकी परिस्थिति को और स्ट्रॉन्गर बेस टच कराकर चला जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको इमोशनली वनरेबल बनाकर जा सकता है। कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनशिप स्थिरता की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में नेगेटिविटी या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके जीवन में परेशान करते हैं तो आप तत्काल रूप से उस व्यक्ति विशेष या उन अवस्थाओं को अपने आप से, अपने जीवन से डिटैच कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस के फेज में लाकर खड़ा करती हैं। वो अवस्थाओं को कम्प्लीटली डिटैच करने का अब समय आ गया है। साथ ही साथ आज के दिन जीवन में आप किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी आपकी आप परिस्थितियों को अपना रहे हैं, कहाँ पर आपको मनोबल बनाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको आज के दिन अध्ययन करने की, सोच के समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा सकती है। खास तौर पे अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आपको आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको चलते चलते कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं या आपके पार्टनर की तरफ से डिटैच्ड स्टेट चल रही है, तो वहाँ पर आपको सोच के समझ के आगे ले जाने की चीज़ों को ज़रूरत है। आज के दिन शब्दों का चुनाव कहीं ना कहीं सोच समझ कर
करिए, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं विषमतम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आज के दिन आपके जीवन में चल रही चुनौतियों को आपको पॉजिटिवली हैंडल करने की ज़रूरत है, खासतौर पर अगर वो पारिवारिक हैं तो। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों आपको लीगली ज़्यादा मजबूत करता हुआ जाएगा। तो आज के दिन अगर आपके परिवार में कोई लीगल स्थिति या परिस्थिति चल रही है या कुछ चुनौतीपूर्ण माहौल या सिचुएशन है तो उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आपके लिए विकल्पों का चुनाव करना आसान हो जाएगा, आपके लिए परिस्थितियां और कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं स्थिरता अपनी चीज़ों में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से लंबित कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ काम, कुछ परिस्थितियां अब आगे बढ़ेंगी। अगर गतिशील तरीके से बात करूं तो अब वास्तविकता में आपकी परिस्थितियां तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जो कि काफ़ी 3 से 4 महीने में चल रही थी चीज़ें, फिर रुक रही थी, फिर चल रही थी, फिर रुक रही थी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज का दिन धनु राशि वालों, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नकारात्मकता को आपको अपने आप से दूर रखना है, साथ ही साथ अपने मन को मजबूत करिए। आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म का सहारा लेने की ज़रूरत है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी मेंटोर से या किसी व्यक्ति विशेष से डिस्कस करने पर यह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो आगे बढ़िए। कहने का मतलब ये कि जिस तरह से, जिस अवस्था में आपको लगता है कि आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, आपको वो लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने संयमित आहार और संयमित व्यवहार पर भी आज के दिन आपका ध्यान होना चाहिए। सोच समझकर आपको शब्दों का प्रयोग भी करते हुए चलने की ज़रूरत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र के विस्तार को लेकर हो सकता है। अगर आप कार्यक्षेत्र में नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल्ड है या कहीं ना कहीं आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप स्ट्रीमलाइनिंग चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने लिए कहीं ना कहीं नए अवस्थाओं को, नई परिस्थितियों को सामने लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां, आपकी सारी ओवरऑल अगर मैं देखूं, आप इन टोटैलिटी सिचुएशंस आपके फेवर में ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। काबिले तारीफ है कि पिछले अगर आप 8 महीने पहले की बात देखें और आज की बात देखें, आप ज़मीन आसमान का अंतर परिस्थिति में कर पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा हुआ है और इसी के तहत आप आगे बढ़कर काफ़ी ठोस निर्णय भी आज के दिन ले सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन परिस्थितियों को मजबूत करने का है। आज का दिन परिवार के साथ समय बिताने का है। आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं पर काम करने का है, चाहे वो आपकी पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हो, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान, झुकाव या कुछ शिक्षा से संबंधित हो जो आपको ग्रहण करनी है, प्रोफेशनली कुछ सर्टिफिकेशंस, लिखा पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है जो आपको आंतरिक सुख या आत्म ज्योति या आत्म बल में वृद्धि करके जाता है, वो काम आज के दिन आपको करना है, क्योंकि इसी से आपके अगले 6 से 7 महीने इस पर निर्धारित हैं, जिससे कि आप अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ या साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के एवेन्यूज भी आप खोल पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करती हुई जाएगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज का दिन आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर खर्च करने का है। लंबे समय से अगर परिवार में कोई बीमारी चल रही है तो वहाँ पर आप तनाव में आ सकते हैं। किसी पारिवारिक सदस्य की बीमारी के प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, चिंता में आ सकते हैं और अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी इसी संदर्भ में आ सकता है। साथ ही साथ आज के दिन वाहन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किस तरह का कलर, किस का क्या ब्रांड या किस तरह के प्राइस रेंज में, या क्या आप उसके पीछे बैकग्राउंड वर्क करेंगे, लोन लेना है नहीं लेना, ये सारे तथ्य आज के दिन आपको पूरा टाइम मिलेगा जिस पे आप सोच सकते हैं। परिवार की मर्जी के बाद आप पूरे परिवार के हित के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले सारे तथ्यों को, सारी परिस्थितियों को एक बार परख लेना आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो सकता है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।